मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वर्कशॉप में खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कई कार जलकर राख हो चुकी थी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली स्थित विश्वकर्मा रोड का है जहां पर लिमरा मोटर्स वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वर्कशॉप में खड़ी कार धू-धू कर जलने लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई जिसके बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची जिसने आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। लेकिन आग पर जब तक काबू पाया गया तब तक वर्कशॉप में खड़ी कई गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि वर्कशॉप में खड़ी कार में गैस वेल्डिंग का काम चल रहा था जिस वजह से वर्कशॉप में खड़ी कार में आग लग गई। आपका नाम? मेरा नाम रजत त्यागी। रजत जी, क्या मामला है जो आग लगी है? ये यहाँ पर विश्वकर्मा चौक के पास रजवाया रोड पे एक गाड़ी वर्कशॉप की शॉप है जिसमें ये कुछ गाड़ी में काम करते हुए वेल्डिंग वगैरह करते हुए इसमें काफ़ी गाड़ियाँ अंदर खड़ी थी उसमें अचानक आग लगने लग गई जिससे कि यहाँ आबादी का भी क्षेत्र है, पीछे भी काफ़ी मकान है और लोगों में रिहायशी इलाके में इस तरह का काम होना सही नहीं है, इससे भारी नुकसान हो सकता था। मगर फिर भी फायर ब्रिगेड ने आगे काफ़ी नियंत्रण इस पर किया। कितनी गाड़ियाँ जलकर राख हुई है? इसमें लगभग 3 से 4 गाड़ियाँ जल गई हैं जो रिपेयरिंग के लिए खड़ी हुई थी। कितने का नुकसान मानते हैं आप? नुकसान तो कोई नहीं, क्या पता उसमें कंडम भी कुछ हो सकती हैं, गाड़ी कुछ 1-2 रिपेयरिंग के लिए भी आई होगी, अभी सही जानकारी नहीं है, जो मालिक आएगा वही बता पाएगा। लगभग 5:15 के आसपास हमारे पास सूचना मिली है कि भोपा रोड पर ये शकील खान हैं जो लिमरा मोटर्स के नाम से कार वर्कशॉप चलाते हैं। इनके यहाँ पर सूचना मिली कि भीषण आग है तो त्वरित रूप से हमारे 3 फायर टैंकर मौके पर पहुँचे। मैं स्वयं मौके पर आया हूँ और आकर देखा कि यहाँ पर ये जो कर्मचारी काम कर रहे थे गैस वेल्डिंग करते समय अचानक से जो है चिंगारी निकली उससे इनकी कारों में जो है आग लगने की संभावना भी जताई जा रही है और इसका शीघ्र ही अवलोकन करा जाएगा जिससे जो भी हानि होगी जिस प्रकार से भी होगा तुरंत उसकी सूचना दी जाएगी। सर नुकसान का आकलन अभी आकलन करा जा रहा है, अभी जो है जानकारी नहीं है चूँकि आग अभी काबू में पाई गई है तो इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा, जैसी जानकारी होगी बताया जाएगा।